आ चुका हूँ मैं अपने होटल रूम में। और एक बात है, ये होटल रूम की एक खास बात है, वाक्य शायरी है, होटल रूम्स में एकदम फुल शांति रहती है और फ्री का शैम्पू। ये रिमोट सबसे बड़ा जानी दुश्मन है मेरा, क्योंकि हर बार जब टीवी देखनी होती है तो ये लगता है कि ये रिमोट काम करेगा, पर करता ही नहीं ये साला। लगता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना था, पर लाइव मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये होटल के पेट्स इतने सॉफ्ट कि कभी कभी लगता है इसमें डूब जाओ, और कभी कभी इतने हार्ड कि इसमें जिम की फील आ जाती। सही में बोल रहा हूँ। अभी देखो तो इस अनिरुद्ध का कमाल। अभी देखो, देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर क्वालिटी चेक कंप्लीट। और भाई ये बाथरूम, ये टॉयलेट अलग ही दुनिया के। एक सेकंड। हेलो भाई, रूम सर्विस, बाथरूम में हो, एक चाय लेके आना ना प्लीज। और ये और टैन दो, जो इतने सॉफ्ट होते हैं ना, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। इतने सॉफ्ट टॉवल्स ना, इतनी सॉफ्ट तो मेरे घर को भी नहीं मिलती यार टॉवल्स। तो कैसे मिल जाती है इनको, किधर से मिलती है? और ये रूम की लाइटिंग इतनी अच्छी है कि ऐसा रोमांटिक इतनी है ना। वैसे देखो मैं छोटा हूँ, फिर भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, इतनी अच्छी रहती ना कि ऐसा लगता है शादी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? मेरे को पता है तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तुम बिगाड़ रखा है। तो दोस्तों, होटल रूम्स के स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होने वाले, पर ये आदमी एक दिन ख़त्म हो सकता है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। मर रहा नहीं हूँ मैं, फिर भी कर दो ना यार, दोस्त नहीं क्या।